आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम है दिनेश और मारवाड़ी कुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मैगी। मैगी तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से भी बनाई जाती है, लेकिन जो आज रेसिपी मैं लेकर आया हूँ वो एकदम बाज़ार में जिस तरह से फास्ट फूड की शॉप पर मैगी को पहले बॉयल करके रखा जाता है, फिर वे मसालों के साथ में है वो बनाई जाती है, मैंने सेम उसी प्रोसेस से बनाई है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और टेस्टी और एकदम लंबी लंबी बाज़ार जैसी बनी है। तो पूरी वीडियो है आप अंत तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल आसानी से मसाले वाली मैगी बना सकते हैं। मैगी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी को अच्छे से बॉईल करा है। पहले अच्छे से बॉईल होने के बाद में यहाँ पे मैंने मैगी ऐड करी है, जो चार पीस जो आते हैं 12-12 रुपए वाले वो मैंने यहाँ पे चार ऐड करे हैं। और ये मैंने बड़ी वाली मैगी का जो पैकेट है वो लिया है मैंने यहाँ पे, चार पीस है वो सीधे डाल देना है, हमें तोड़ना नहीं है। अगर आप एकदम बारीक वाली छोटी छोटी बनाना चाहते हैं तो इसको फिर क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप नूडल्स की तरह लंबी लंबी रखने चाहते हैं तो फिर आपको इसको तोड़ना नहीं है, सीधा ही पानी के अंदर डिप कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे, जिससे हमारी मैगी है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और खुली खुली हो जाए, आराम से खुल जाएगी। तो 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर गैस को कर दिया ऑफ और हमारी मैगी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि एकदम लंबी लंबी नूडल की तरह है। और इसे हम क्या है पानी से बाहर निकाल कर एकदम पानी पूरा एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे, तो हमारी मैगी है वो पूरा पानी से हमने निकाल दिया है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे, तो आप यहाँ पे तेल या घी कुछ भी ऐड करके एकदम इसको खुला खुला कर लेना, जिससे मैगी है वो हमारी मैसी मैसी सी ना हो, एकदम खुली खुली लंबी लंबी बनकर तैयार हो। और अब हमें वो मसाला वाला तड़का लेंगे, तो पैन के अंदर मैंने यहाँ पे बटर ऐड करा है। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं, तो आपको पसंद है वो कर लेना, लेकिन ज़्यादातर मैगी है वो बटर में ही बनती है, तो यहाँ पे मैंने बटर ऐड करा है। और साथ ही ऐड करा है मैंने यहाँ पे हरी मिर्च। और सब्जियाँ हैं वो आप थोड़ी बहुत है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सब्जियां ही ठीक है इसमें। और साथ ही ऐड करें मैंने यहाँ पे प्याज। प्याज को अच्छे से भुनने के बाद में यहाँ पे मैंने ऐड करा है टमाटर। तो 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमें वो प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारा क्या है टमाटर सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मसाले, 1 मिनट जितना हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से भी कम मिर्च पाउडर और थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पे हैं वो मसाले कम ऐड कर रहे हैं और 1/2 चम्मच से भी कम है वो नमक है, क्योंकि मसाले कम ऐड करने का मतलब ये है कि हम जो साथ में इसके मसाले वाले पाउच आते हैं मैगी के हम वो भी यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये नमक मिर्च मसाले हैं वो पहले से रहते हैं, और हम इस बार पहले ही अब ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी तीखी है वो। आपको यदि पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतनी तीखी है वो खाई नहीं जाती। और यहाँ पर मैंने पानी ऐड करा है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर 1/2 गिलास जितना पानी ऐड करा है। ये पानी है वो हमारा एक्स्ट्रा नहीं होगा, इस पानी से आराम से मैगी है वो मसाले के अंदर है वो एब्जॉर्ब कर पाएगी पानी को। और यहाँ पे 1 पाउच जितना मैंने यहाँ पे मैगी मसाला यूज़ करा है, क्योंकि ये बड़ा वाला पैकेट था तो इसके अंदर 4 आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 ही यूज़ करा है, क्योंकि पहले ही हमने मसाले हैं वो पहले ऐड कर लिए थे। अब यहाँ पे वो मैगी यूज़ कर डाल रहा हूँ उसके अंदर, तो आप देख सकती हो कि हमारी मैगी है वो एकदम नूडल्स की तरह लंबी लंबी किस तरह से खुली खुली बनी हुई है। सारी मैगी को हमने वो ऐड कर लिया इसके अंदर, हम अच्छे से इसे आराम से धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करेंगे।
और पानी वगैरह है वो बिल्कुल माफ से है, वो ज़्यादा पानी नहीं था, पानी पहले ही एब्जॉर्ब हो चुका था क्योंकि टमाटर वगैरह हमारे सॉफ्ट हुए तो पानी उस पर पूरा लग गया था। अब ये खाली मसालों के अंदर ही मैगी है वो हमारी कोट होगी, और इससे होता ये है कि इसमें वो पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं रहता और हमारे मैगी है वो ज़्यादा गलती भी नहीं है। और यदि आप है वो लिक्विड ही अगर चाहते हैं थोड़ी बहुत पानी वाली तो इसके अंदर है वो पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और ये हमारी मैगी है बहुत ही शानदार मसाले वाली एकदम खुली खुली और नूडल्स की जैसी बनकर तैयार हुई है। और आपको ये हमारी वीडियो है वो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारे मैगी की रेसिपी है वो कैसी लगी, और मैगी तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी बनाई जाती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।